अच्छा शिल्पा, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ना भाई, हम सारी टीम चेक कर रही थी। क्या, क्यों? आपको बताता हूँ, ये क्या करती हैं शिल्पा, केक, पेस्ट्री, गुलाब जामुन। अच्छा, खुद नहीं खाती? अरे खाती हूँ, हफ्ते में एक बार, चीट डे ना। हाँ। ये क्या, संडे वाले एक दिन इतना सा गुलाब जामुन भी खुद ऑर्डर पे बनवाती हैं, राजकुंद्रा को बोल के इतना सा गुलाब जामुन रहता है। आई एम हैविंग स्वीट्स, तो फोटो डाल देती है उसकी जूम करके वहां पे, लोगों को लगता है हम भी खाएंगे, हम भी शिल्पा शेट्टी से। ये क्या करती हैं गुलाब जामुन ये सब डाल के ना, ताकि सारे देश की औरतें पतली हो ही ना, राजकुंद्रा का फोकस इन्हीं पर रहे। ये बड़ी चलाक है आप, हफ्ते में एक गुलाब जामुन खा के इंस्टा पे डाल दिया। वो भी बेचारे बहुत डिप्रेस चल रहे। मेरी मार चार खाती रोज, कभी इंस्टा अकाउंट ही नहीं खुला। नहीं कपिल, वो भी बहुत डिप्रेस चल रहे आजकल। क्यों? दीपिका की शादी होगी बिल्कुल आपकी तरह, वो भी डिप्रेस है। अच्छा, बड़ा मूड चल रहा था। मैं तो आपकी शादी के बाद भी बड़ा दुखी हुआ था। मैंने कहा पंजाबी से शादी करनी थी तो हमारा पंजाब का टेढ़ा। हम भी तो इधर ही थे, पर बड़ा अच्छा लगा मुझे इसी बात की खुशी, चलो बनी तो हमारे पंजाब की बहू ना। वाह। अच्छा आप लोग कुछ लेंगे इधर, चाय कॉफी? बड़ा जल्दी याद आया आपको। रुक जाओ, कौन है ये वाहियात आदमी? हेलो अनुराग दा। हेलो सर। हेलो गीता माँ। नमस्ते, कैसे हैं आप? हाथ पीछे करो, गमछा नीचे करिए, फिर हम हाथ में लेंगे। इतना गंदा डांस किया ना तुमने। कैसे हैं चंद्र? मैं बहुत अच्छा हूँ। चलो मैं ही कर देती हूँ। क्या है शो के टीआरपी के साथ ये भी अपग्रेड हो गए? मुझे समझ में नहीं आता, अच्छे कपड़े पहनने लग गए हैं, जूते अच्छे हैं, शर्ट अच्छा है, पैंट अच्छा है, बेल्ट भी अच्छा है, शक्ल वही है, लेकिन गमछा क्यों? गमछा इनका मेन है, बाकी ड्रेस तो मांग मांग लेता है। अच्छा, इसके दादा के मोतियाबिंद के ऑपरेशन से अंगूठी बनाए थे। सर चाय की दुकान बंद क्यों करवाई आपने? अब मैं पसंद नहीं थी, आई डोंट लाइक चाय। आप बनाते हैं चाय वाय बनाते हैं आप? आई लव ब्लैक कॉफी, जस्ट इग्नोर हिम। आप बनाते हो ब्लैक कॉफी? मैं थोड़ी देर के बाद आ जाता हूं, आप लगे रहो। अरे आप आए थे क्या? आइए वापस आइए। चंदू ये तूने क्या हाल बनाया, मतलब क्या कर रहा है? मैंने अपना फिर वो चंदू चाय वाला काम शुरू कर दिया है। अच्छा। हां, चंदू के साथ चाय पीने का ₹5, अपनी चाय लाइए, चंदू चाय अणी कॉफी। अणी कॉफी, अणी कॉफी म्हणजे काय? अणी कॉफी मेरे को नजर नहीं आ रहा, एक मिनट। देख लो बराबर, आप ही ने बनवाए। फटे दूध की चाय? ओ नहीं सर, वैसे चाय पी के फट जाती है या फटे दूध? ये क्या है चंदू, कोई ढंग का काम करता, नया काम करता कोई? तू सजेशन नहीं देते रहते, आपका भी मैं ₹8,00,000 मांगू, देते मेरे को आप? मैं दे तो दूं, इसके पैसे मैंने लिए थे, पर मुझे पता है ये ना देश का पैसा वेस्ट करेगा ये बंदा। मैंने क्या 8,00,000 के गोलगप्पे खा लेने हैं इधर, वेस्ट करूंगा मैं? फिर वही बात है, क्या वेस्ट? चलो मैं मान लिया भाई वेस्ट भी कर लूंगा, तो अपने देश का पैसा देश में वेस्ट करूंगा मैं। तेरा क्या भरोसा, तू अमेरिका से रॉकेट मंगवा लिया तो? रॉकेट पे मैंने मंगल ग्रह पे जाना है, मैंने लेनी है तो पनडुब्बी लेनी है। हैं? क्या लेनी है? सबमरीन। सबमरीन उसके फायदे पड़े हैं अनुराग दादा, पहली बात वो बंदा गीला नहीं होता उसमें। वाह। दूसरी बात है कि अगर आपने कोई गहरी बात सोचनी है तो आप गहराई में जाकर सोच सकते हैं। वाह वाह। अच्छा मैं इसके बारे में दो बातें कहना चाहूंगा। yes. कि या तो इसका दिमाग खराब है या फिर पहली वाली बात ठीक है। शिल्पा जी मैं चाहता हूं कि आप अपने शुभ हाथों से मेरे नए वेंचर की ओपनिंग करें। वेंचर? इसकी तलाशी लो, ये किसी की डिक्शनरी चोरी करके आया था। तेरे को वेंचर कहां से पता चल गया? वेंचर फालतू तो बकवास कर रहा है, बड़े बड़े लोग आए तेरे पैर छू, हाथ मिला रहा तू। देखो बड़े लोग होंगे आपके लिए, मेरे तो वो पड़ोसी हैं। तेरे पड़ोसी कैसे हो गए? देखो टाइम स्लॉट के हिसाब से, ये 8 बजे आते हैं, हम 9:30 बजे आते हैं। तू 9:30 कहाँ आता है? चैनल ने साफ मना किया है, सोनी साहब ने खुद फोन किया मुझे। अच्छा। कहते इसकी एंट्री 10:30 के बाद कराया करो, तब तक लोगों का मूड वूड बन जाता है, कर लेते हैं बर्दाश्त। निकल जाता है फ्लो फ्लो में। देखो गीता मैं, हीरो की एंट्री हमेशा लेट होती है ना, ये इसको नहीं पता। सबको पता लेट नाइट कौन से हीरो की एंट्री होती है। देखो मुझे ऐसा वैसा ना समझो, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा सोलो शो आ रहा है और सारी लाइनें भी उसने उसमें मैंने बोली हैं। वो जो तूने किया है वो कमजोरी का ऐड करके बता। पहले मैं काफी थका थका रहता था,
काम से वापिस आते ही सो जाता था, मेरी बीवी मुझसे नाराज रहती थी। अच्छा पाजी मेरी बात सुनो, चलो मैं तो ऐड करता रहा टीवी पे, ये आधी रात को कमजोरी की ऐड क्यों देख रहे थे मुझे ये बताइए। चलो मैं नहीं वहां बैठ कर रहा हूं, ये बंदा ये मेरा भाई ना, ये जब हम लोग अपनी रिहर्सल वैसल करते ना, ये दो लाइनें ना अपनी अलग से सोच के आता है। हाँ। फिर इधर आके ना मेरे को सरप्राइज देता है, पर आज तेरे को वो सरप्राइज मिलने वाला है। पाजी इन्होंने बैठ जा, आप बैठ, और बैठ जा, शिल्पा शेट्टी के साथ बिठा रहा हूँ बेवकूफ। कभी सुमन और उसके अलावा कभी बैठा हुआ जो तेरी क्लासमेट थी? कैसा फील हो रहा है तुझे अच्छे सोफे बैठ के? हमेशा ये इंडियन स्टाइल में बैठता है वो, जो नीचे बैठ के नहीं बैठते। आज तुझे सोफा बैठ के कैसा लग रहा है? अच्छा तो बता, तो करने के आया था, बताया नहीं था यार। नहीं आपने उनका खराब कर दिया ना मोमेंट। मुझे आशीर्वाद दीजिए गीता माँ। हाँ? आशीर्वाद तू चाय मांग, अदरक मांग, आशीर्वाद मांग रहा तू, जो तेरा काम है वो मांग तू। सी इट्स माई लाइफ, माई ओन डिसीजन। मेरे दिल में मैं वही डिमांड करूंगा ना। डिमांड तेरा, तू तो परसों रिमांड पे लेके गए थे तुझे पुलिस वाले। वो पाजी वो जिद कर रहे थे, कहते चंदू जी चाय पीनी आप इधर आ जाइए, तो मैं चला गया। वो तो मेरे फैन थे, इतना प्यार करते थे पाजी, कहने लेकर आए थे मेरे लिए। कहने नहीं, वो हथकड़ी थी वो। देखो वो मुझे अच्छी लगी, मैंने पहन ली पाजी। मेरा तो स्टे भी उन्होंने आपको पता स्टूडियो अपार्टमेंट में रखाया था, विद अटैच बाथरूम। जेल होती वो? जेल तो वो नहीं होती जो बालों में लगाते हैं। सारे गेस्ट ने एक जैसे कपड़े पहने थे ना। वो जेल होता है यार। जेल। खैर गीता माँ। हाँ जी। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मेरे को ब्रेक डांस का बड़ा शौक है। ओ। जी। ब्रेक डांस मैं बताता हूँ आपको, लोग ऐसे ऐसे करते ना, ये ऐसे ऐसे करता है तो ब्रेक डांस। यार मेरी बात सुनो, आपने कोई अच्छी बात करने की नहीं करनी मेरे बारे में? अच्छा तेरी अच्छी बात करूँ? हाँ कर दो। गेट आउट। मैंने कर दी अच्छी बात। देखो आपके चक्कर में मैं इनको चाय पिलाना भी भूल गया। दादा आपको पता है मेरे अंदर एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है। क्या? मैं मूड देखकर पहचान जाता हूँ कि आपको कैसी चाय अच्छी लगेगी। अच्छा मेरा मूड क्या है जी? कैसी आपको चाय? ग्रीन टी अच्छी लगेगी। क्यों? दूध नहीं है ना आज। आपको ब्लैक टी और आपको शेड टी। ये शेड टी बोलने के लिए ना इसने दो एक्स्ट्रा चाय बनानी पड़ी तुझे। अभी फिर बताओ क्या, अभी आगे क्या करना है बताओ। मैं तो आशीर्वाद लेने आया था गीता मैम से। हाँ जी बोलिए। मेरे को आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करूं। सर आप साइज के हिसाब से मांग रहे हो, दिन दुगनी रात चौगुनी, ये क्या बात होती है? तेरे को आशीर्वाद, तेरे को दुआएं देने को दिल करता कि जा जा खुश रह। नहीं नहीं जैसे भी रह, हमें दिखाई मत दे। 10 मिनट के लिए इधर आता हूँ। हाँ। वो भी आपको नहीं पचते, 10 मिनट का धंधा होता इसके है। 10 मिनट के चक्कर में ना हमारा 1.5 घंटे का धंधा बंद होगा किस दिन। यार मेरी बात सुनो। हाँ आपको पता है बुरे वक्त में ये चीजें काम नहीं आती, बुरे वक्त में अपने काम आते हैं। और जब तक ये चंदू जिंदा है तुम भूखे नहीं बैठोगे। लाइन इसने बहुत प्यारी बोली है, नाम ऊपर नीचे हो गए। फालतू बातें छोड़ो, ये चाय की दुकान खोलने के पैसे कहाँ से आए तेरे पास? वो मेरे पापा ने जोड़ के रखे थे मटके में, बस वो आज काम आ गए।